लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आजकल मुंबई में अपने गांव से आने वाले हर नौजवान की लाइफ इस खाली बोतल जैसी हो गई है, पर अपने गांव में अपनी लाइफ बहती नदी जैसी एक्साइटिंग थी। अपने बेटे को देखा क्या? कुंभकर्ण के जैसे सोया है। ए, जाना चल। बदतमीज कहीं का। देखो माँ, शहर जाओगी ना तो मेरे लिए एक नया टीवी का रिमोट लाना, समझ गई ना? नालायक, अपने पैर से जब टीवी चला रहा है तो तुझे नया रिमोट किस लिए चाहिए? ए रामचारी, माँ कोई बात नहीं, मैं ही जाके रिमोट लेके आता हूं। एकदम सही टाइम पे आया यार। आपके लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है, इसको थोड़ी सी अक्ल नहीं सिखा सकते क्या? लक्ष्मी, वो हमारा बेटा है, आज नहीं तो कल उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो ही जाएगा। तुम जरा धीरज रखो। ए, तेरा कितना? 3000। तीन हजार? और तू बोल? 2000। ए चल डाल, देख मैं डाल साइड में डाल। ये क्यों इतना उछल रहा है भाई? ये तो जूनियर विष्णुवर्धन लग रहा है। ए उसको चुप करा। ए तू चलना यार, रुको जरा देख के आता हूं। ए बस कर। क्या भाई, हम लोग वहां पत्ते खेल रहे हैं, तू निकल इधर से। मैं कल के लिए गाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कल मेरा प्रोग्राम है ना, इसके लिए। तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या? हम लोग वहाँ पत्ते खेल रहे हैं, तुझे दिखता नहीं है क्या? भाई समझने की कोशिश करो, मैं तो खाली प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं करने का भाई, वहाँ पर खेल रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं करने का, ठीक है? हाँ भाई। हाँ गुरु। चीटिंग नहीं करने का। तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? हाँ तू कौन होता है रे पूछने वाला? रामाचारी को बुलाया ना तो वही बताएगा। रामाचारी आकर बस डायलॉग मारेगा ना, और क्या करेगा बोलो? अबे वो रामाचारी 2.0 है,
वो सिर्फ डायलॉग नहीं मारता, सीधे थोबड़े पे पंच मारता है। अगर दिल में हिम्मत और अपने काम में ईमानदारी है तो किसी का भी सामना कर सकते हैं। रामाचारी साइन तो कर दो। मेरे अकेले के साइन ना करने से क्या हो जाएगा सर? तुम जो बोल रहे हो वो सही है, लेकिन अगर तुमने साइन नहीं किया तो यहाँ कोई भी नहीं आता, ऐसा कहकर लाइब्रेरी को क्लोज कर देंगे, चलेगा क्या? ठीक है ना। अच्छा सर, ये कर्मा रहस्य की पार्ट टू जो आने वाली है वो बुक कब आएगी? 2-3 दिनों में आने के चांसेस ठीक है, मुझे बता देना। सर क्या हुआ रामाचारी? आइए ना सर। बिजी हूं यार। इस बुक में लाइब्रेरी साइकोलॉजी पर एक कॉलम है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। ठीक है। इसमें लिखा है कि लाइब्रेरी में एक रैक में रखे किताबों को दूसरे रैक में रखकर लाइब्रेरियन को उसे ढूंढने को कहोगे तो वो उसे रेगुलर रैक में ही ढूंढेगा, लेकिन दूसरे रैक्स में देखेगा भी नहीं। ये देखिए, मैंने एक्चुअली आप पर अभी टेस्ट किया, आपने बाजू के रैक में देखा भी नहीं। तो ये है लाइब्रेरियन साइकोलॉजी। रामाचारी तुम्हारी क्यूरियोसिटी यार बहुत ज्यादा है। सर क्यूरियोसिटी गलत है क्या? कुछ गलत नहीं है, क्यूरियोसिटी इंसान का बेसिक नेचर है, पर तुम में थोड़ी ज्यादा है, बस यही बात तुम्हें आगे ले जाएगी। पर समटाइम्स क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। पापा सॉरी, मेरे फ्रेंड्स भी पीते हैं तो सोचा मैं भी ट्राई करके देखता हूं। पापा अगर बुरा ना मानो तो मैं रोज पीऊंगा। देखो बेटा, कुछ भी करने से पहले एक बार अच्छे से सोच लिया करो, तुम्हारी जिंदगी को अपने हाथों से तुम्हें खुद बनाना है। कुछ आदतें हमें मरते दम तक नहीं छोड़ती, इसलिए हमें ही उन्हें छोड़ देना चाहिए। अरे रामाचारी, इतनी जिज्ञासा, अगर पढ़ाई में दिखाकर अच्छे मार्क्स लाता तो तुम इंजीनियर या डॉक्टर बन जाते, ऐसे ही बेरोजगार बनकर पूरे गांव में लफंगे बने नहीं घूमते। अरे माँ, ये स्कूल सिलेबस में ना सिर्फ मार्क्स ही मिलते हैं,
लेकिन उनकी दीव विद्या लाइफ में किसी काम की नहीं है। हमें जरूरत है तो सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज की। पुनीत राजकुमार ने जिस तरह अपना जीवन जिया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा, बिल गेट्स ने अपनी कंपनी कैसे बनाई और टैक्स सिस्टम क्या है, इस तरह के प्रैक्टिकल नॉलेज लाइफ में बहुत कुछ सिखाते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी समझ सकता है। क्यों, सही कहा ना? रामाचारी भैया ने बोला है तो सही होगा। सही कहा ना? हाँ। समझ गई ना माँ? मैं जो कह रहा हूँ देखा है क्या उसको? कांतारा मूवी देखी क्या तूने? वो थिएटर में ही देखूंगा। बिजली भी नहीं आई। माँ ये वीडियो तो देख, पता नहीं क्या बिना चाबी के दरवाजा खुल रहा है। क्या रामाचारी, ये पता नहीं किसकी गाड़ी है और तो इतना रिस्क क्यों उठा रहा है? जब से वीडियो देखा है तभी से ट्राई कर रहा है। क्यों वीडियो दिखाया तूने इसका? अरे मुझे थोड़ी ना पता है कि वीडियो देख के ये सब करने वाला है। एक मिनट चल भाई, रुक जा। क्या कर रहा है भाई? भाई छोड़ना है, क्या कर रहा है? पापा, आपको पता है इस रामाचारी ने आज क्या किया है? पूरे गाँव में बस झगड़ा करता फिरता है। आपके चुप रहने की वजह से ये आज ऐसा बन गया है। घर में टिकता ही नहीं। घर में क्या चल रहा है इसे कोई परवाह ही नहीं, पर पूरे गांव में क्या चल रहा है इसे सब पता है। आज तो आपको इससे बात करनी ही पड़ेगी। मुझे जरा खिला। जिंदगी में एक पल के बाद बेटा बाप बन जाता है और बाप बेटा बन जाता है। तू समझ तो गया होगा। चल खा बेटा, खा खा ले। मेरे पापा ने सेंटिमेंटल बात करके आखिरकार मुझे काम की तलाश में मुंबई भेज ही दिया। यहां आने के बाद मैंने हर तरह का काम किया। कभी कभी तो मैं इंसानों से ज्यादा मशीनों से बात करने लग गया था। पेट्रोल पंप पर काम किया, रिक्शा भी चलाई और फिर आखिर में डिलीवरी बॉय बन गया। लेकिन किसी भी काम में मुझे सुकून नहीं मिला। जितने भी लोगों से मिला मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि यहां हर कोई मुखौटा पहने रहता है। अपने ही घर में खाने की थाली भी उठाकर नहीं रखता था और यहां शहर में एक बेकरी में काम कर रहा हूं। एक दिन फल काटते हुए उंगली कट गई थी। क्या करे, इंसान की फितरत है कि अंदर क्या है वो देखे बिना जी नहीं भरता। अगले दिन मैंने अपनी सारी उंगलियों को सिखा दिया। इस बेकरी में काम करने के सिर्फ दो ही वजह थी। पहली वजह थी मेरा जिगरी दोस्त विजय, यही है मेरा जिगरी यार। और दूसरी वजह थी मेरी बेकरी के पड़ोस की दुकान में काम करने वाली मेरी जान, मेरी मार्गरेट। रामाचारी, एक कोल्ड कॉफी। सर, कोल्ड कॉफी। चाहे जितनी बार फोन लगा लो वो स्विच ऑफ ही आएगा। उसको गए हुए दो दिन हो गए हैं, आ जाएगी, छोड़ दो। ये देखो, ये हीरोइन शायद किसी के साथ भाग गई है। एक उल्टे हाथ का मारूंगा ना, वो मेरी लवर है, तेरी नहीं, समझा? चलेगा? हाँ ठीक है भाई। एक किलो का केक है क्या भाई? कोई आया है? हाँ, एक तेरा ब्रेकअप होने के बाद भी उसको केक भेजता है, बता देता हूँ तेरी दाल निकलने वाली। गाँव से मुंबई आने के बाद मुझे प्यार हो जाएगा ये सोचा ही नहीं था। सच कहूं तो मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता, लेकिन इस रामाचारी की जिंदगी की वही है मार्गरेट। उससे बात करने के लिए मुझे बहुत डर लगता है। वजह, उसकी आंखें।
लीजिए। भैया सुनिए, आजकल मेरा हर जगह कोई तो पीछा करता है। कौन है बहन? हरिओ नौटंकी, कहीं जाने के लिए तुमसे पूछकर जाना पड़ेगा। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं जहाँ जाती हूँ वहीं तुम्हें काम रहता है क्या? नहीं रहता है, बस तुम्हें ही देखने के लिए वहाँ पे आता हूँ। क्या कर लोगी? तूने उससे ऐसे बात क्यों की? अबे छोड़ ना विजी, वो अच्छे से जानती है मैं उसको पसंद करता हूँ, लेकिन वो मुझे पसंद करती है या नहीं ये नहीं पता। ऐसी बातें अच्छे से मैनेज करनी चाहिए। अभी इसको बताता हूं। क्यों रे नौटंकी, मेरी बेइज्जती करने मेरी दुकान में आई थी क्या? तुम्हें क्या लगता है मुंबई में तुम सिर्फ एक लौती सुंदर लड़की हो? बिल्कुल नहीं, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती, पर तुम ही ऐसा सोचकर मेरा पीछा करते हो। क्या कहा? तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं मुझे पता नहीं, पर मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ ना। अरे क्या हो गया? ए विजय, रामाचारी को मार्गरेट मिल गई, इसको अपने गांव ले जाऊंगा। अरे क्या यार, तूने ये चैनल चेंज क्यों किया? अगर रिमोट में जान होती ना तो फूट फूट के रोता। एर रामाचारी, शाम को 6 बजते ही बैचलर्स का कोई दूसरा प्रोग्राम शुरू हो जाता है, और एक तू है, जब से मेरे साथ रहने के लिए आया है तब से सब छूट गया है। हमें जिस बारे में पता नहीं है ना, उस बारे में जानकारी देने वाले टीवी प्रोग्राम्स देखने चाहिए, समझ गया ना? तो उस बारे में तुझे सब कुछ पता है क्या? उल्टे हाथ की खाएगा तू। चुपचाप बैठ जा, तेरे साथ टाइम वेस्ट क्या करे। बैठा रहे, बैठ जा। शुरू हो गया, अब दिमाग खाएगा। देख विजय, मेरी बात ध्यान से सुन। जो आदमी अतीत में मिली सारी इंफॉर्मेशंस को माइंड में स्टोर करके रखता है ना, उसे ही मिलती है सक्सेस। आजकल थोड़ा सा गूगल करके इंफॉर्मेशन इजीली हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसे सही तरीके से यूज करके सक्सेस कैसे मिलती है ये इम्पोर्टेंट है। और वही बात सीखने के लिए मैं देखता हूँ ये साइंटिफिक प्रोग्राम्स। ये ले पकड़, देख तेरे को क्या देखना है। मिल गया। किसी दूसरे की प्रॉब्लम कहिए या अपनी प्रॉब्लम कहिए। रामाचारी। आंटी बोलिए ना। तुम सो रहे थे क्या? नहीं आंटी, सॉरी डिस्टर्ब किया। हाँ, हाँ। मैंने एक अलमारी ऑर्डर की थी, डिलीवरी के लिए लोग आए हैं, वो देखो बताओ ऊपर कैसे ले जाए। हाँ, हाँ, हाँ। थोड़ी सी मदद कर दो ना। थैंक यू। काम करने से पहले साफ रहना काम करने के बाद की सफाई से ज्यादा जरूरी है। हमें लैंगिक संभोग करने से पहले साफ सुथरा होना। ओनर आंटी ने अलमारी लाई है, उसे रखना है, चला जा। याद रखनी चाहिए। इसको भी अभी आना था। अरे विजय संभाल कर, आगे सीढ़ियां। संभाल के संभाल के, दीवार को टच मत करना। ठीक है ठीक है, देख रहा हूँ। संभाल के संभाल के, धक्का देना ऊपर की तरफ। क्या बोलता है सतीश, आजकल बहुत बिजी है तू। अरे तुझे क्या बताऊं यार, जब से आधा घंटा चलने वाली न्यूज पूरे दिन के न्यूज चैनल में बदल गई है ना, तब से छींकना खांसना सब कुछ ब्रेकिंग न्यूज है, और ये न्यूज बनाना मतलब हमारा काम। ठीक से पकड़ना यार, क्या कर रहा है ए शानिए, आके उठाना, बोलना आसान है, मुंह चला रहा है बस। अच्छा हुआ मैं लेट आया, नहीं तो सारा काम मुझे करना पड़ता। हाँ 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 हाँ, सीधे सीधे। हाँ
रामाचारी, इसे जरा अंदर के कमरे में रखवा देना। थोड़ा और कितना अंदर? तू उठा। क्या रे सतीश, तू किसी बड़े चैनल में काम क्यों नहीं करता है तो हम भी सबको गर्व के साथ बता पाते। ठीक है आंटी, जल्दी ही बड़े चैनल में नौकरी ढूंढता हूँ। अरे मैं सुनाने के लिए नहीं बोल रही, मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता है। सतीश ऊपर जा रहा है ना, वो शांता को जरा मेरे घर आने के लिए बोल देना। चैनल चेंज करूंगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर ये घर पहले चेंज करूंगा मैं, नहीं तो झाड़ू पोछा भी मुझसे ही करवाएंगे। आंटी हाँ, वो हैंडल ना दीवार की तरफ लगा कर रखिएगा। अरे कोई बात नहीं, वो दूल्हे को दहेज में दे रहे हैं, वो गिफ्ट है। ये तो थैंक यू मैडम। तुम भी रखो। थैंक यू मैडम। चुप ना आंटी। हमें पैसे नहीं चाहिए। आपका खाना हो गया? नहीं अभी नहीं। हाँ हो गया। माँ आपसे यही पूछने वाली थी, माँ आप इन्हें भी पैसे देंगी ऐसा लगा इन्हें। हे भगवान, मेरे बेटे जैसे हैं, इन्हें पैसे देकर बेइज्जत थोड़ी करूंगी, है ना? चढ़ा। आई। आंटी हम चलते हैं। ठीक है। ए चला जा। हाँ चलते हैं। 100 रुपए के लिए बेइज्जती करवा दी। आ गई, क्या हुआ? उन लड़कों को पैसे क्यों दिए? उसके मालिक ने डिलीवरी चार्जेस पहले से दिए थे, तुमने अलग से पैसे क्यों दिए? अगर मैं आपसे वो ऊपर लाने के लिए बोलती तो आप ऊपर ला पाते क्या? दो आदमी को मिलाकर 200 रुपए दिए हैं। इतना क्या खर्चा हो गया? हर बार पैसों के बारे में मत सोचा करो। मदद की ना, ये बड़ी बात है। विजय भाई, सारे डॉक्यूमेंट्स रख दिए ना? सारे रख दिए भाई। छोड़ो। तो दरअसल मैं 2 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ जी, तो बेकरी का अच्छे से ध्यान देना। हाँ भाई। ओके। और सुनो, रामाचार्य को भी बता देना कि उसे भी ध्यान देना। मैं बता दूँ। आइए, अगर कोई इमरजेंसी आए तो फोन कर ले। करूंगा भैया। ठीक है। ओके ठीक है भैया। ए रामाचार्य। ए रुक बे। ए ए थैंक यू। ए, 2 दिनों से तुम दुकान में क्यों नहीं आई? हाँ कितनी बार फोन किया, फोन भी नहीं उठाया तुमने, क्या हो गया तुम्हें? ए, मैं तुमसे बात कर रहा हूं ना। मेरी कल एंगेजमेंट हो गई। माँ बाप ने जबरदस्ती करवाई है क्या? वो मैं तुम्हें इस बारे में कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा है। क्या बोल रही हो? तो इतने दिन जो हमारे बीच में था वो हिचकी लगती थी तो पप्पी भी लेती थी, उन सब का कोई मतलब नहीं था। मेरी बुआ का बेटा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मुझे तुम बहुत पसंद हो, इस बात से इनकार नहीं कर रही, पर जब शांति से बैठकर सोचा तो मुझे लगा तुम्हारे साथ शादी करके मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूंगी। मुंबई में तुम अपने खुद के पैसों से 1 रूम किचन भी खरीद सकते हो क्या? तुम खुद ही जब अपने काम के बारे में सोचोगे ना तो अच्छी तरह समझ जाओगे। जब मेरे साथ घुमा करती थी तब मैं क्या काम करता हूँ ये तुम्हें पता नहीं था? हमेशा बेकरी में आने का क्या मतलब था? कस्टमर्स आ रहे हैं, सीन क्रिएट मत करो। हाँ अगर मेरी लाइफ बर्बाद करना चाहते हो तो यहीं रुक सकते हो। आ गया तू यार, मुझे ढूंढने में तुझे इतना टाइम लग गया क्या? जब तू दुकान से निकला था तभी समझ गया था कि तू यहीं पर आएगा, पर इतनी देर यहाँ पर बैठेगा ये अब पता चला। ए ब्रदर। जरा इधर आ। अरे विजय यार मैं कुछ नहीं करना चाहता, अपने गांव वापस जा रहा हूँ। दिमाग फिर गया है क्या? तुझे एक बात बताता हूँ, तूने मुझे मार्गरेट को गांव ले जाने की बजाय कहीं और ले जाने के लिए कहा था ना, पता है उसके पीछे कितने खर्च हो गए? तेरा क्या है, जो भी तेरे पैसे हैं तेरे वॉलेट में चले जाएंगे, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है ना, मेरी कमाई मेरे घर पे जाती है, ये मुंबई ये मार्गरेट की याद दिमाग से नहीं जाएगी।
अरे आंटी, आप यहाँ पर कैसे? अरे रफीक, ऑटो की स्ट्राइक हो गई है ना, एक भी ऑटो नहीं मिल रही है। अरे आप बैठिए ना, मैं छोड़ देता हूँ। छोड़ देगा? बैठिए ना। अच्छा, नंदिनी की शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं आंटी? हाँ हाँ, अच्छी चल रही है। दहेज के लिए सामान जमा कर रही हूँ। उसके मामा जी ने सिंगापुर से सोना भी भेजा है, उसे पिघला के। कितना सोना देंगी आप? अरे बहुत है भाई, अभी क्या बोलूँ, समझ लो लगभग 1 किलो सोना हो गया है। अच्छा अच्छा, अरेंजमेंट ऑलमोस्ट पूरी हो अच्छा, गई है। बहुत बढ़िया। अब बस सबको बना कर बैंक के लॉकर में रखना है बस। अच्छा आंटी, शादी में मेरे को ये लीजिए, बैठिए ना, बैठ जाइए। उसकी बात में सच्चाई थी। उसकी बातें सुनने के बाद मुझे पैसे वालों से जलन होने लगी है। इस तरह की बीमारी किसी को ना हो, मेरे इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। यहाँ रहकर तो मैं ठीक नहीं हो सकता, सीधे अपने गांव चला जाऊंगा। देख तू फालतू की बकवास मत कर, मतलब हम जैसे लोग क्या इंसान नहीं होते? इस धरती पर रहने वाली हर जिंदगी का एक ना एक सीक्रेट जरूर होता है। हाँ। तुझे जो पता नहीं है वो सीक्रेट बताऊं क्या? हाँ, बोलना भाई। हमारी बेकरी में हमेशा आने वाला मिलिट्री का वो कॉफी वाला बंदा है ना, मिलिट्री वाला, पता है? एक दिन वो अपना मोबाइल भूल गया था, उसे लौटाने के लिए मैंने उसका पीछा किया तो वो निकला पुलिस इनफॉर्मर। बीवी करंत की बुक है, आपने पढ़ी है क्या? अरे ये किताब, ये कोई पढ़ने वाली चीज है? इस किताब को पढ़ोगे बिना तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। अगर ऐसी बात है तो इस बुक को मैं जरूर पढ़ूंगा। वो हॉलीवुड फिल्म वाले उसे स्पाई बुलाएंगे, लेकिन तुझे और मुझे क्या बुलाएंगे? एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, उस मिलिट्री मैन से मिलके ये पुलिस वाले केस सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं सीख गया। आराम से करिएगा। थैंक यू रफीक। रफीक, क्या हुआ आंटी? चाबी मिल नहीं रही। ठीक है आंटी, आप अंदर जाइए, मैं जाकर ढूंढता हूँ। ए जी, हमारा रामाचारी मुंबई जाकर कितना बदल गया है ना। लक्ष्मी, पता नहीं आज क्यों मुझे अपने बेटे से बात करने का मन कर रहा है। ऐसा क्या? रुको, फोन लगाती हूँ। हेलो माँ। कैसे हो बेटा? मैं गांव वापस आ रहा हूँ माँ। छुट्टी मिल गई क्या? नहीं माँ, मैं वहां आके सब कुछ बताऊंगा। अब तू क्या बताने वाला है? तू बता, तुझे वापस क्यों आना है? मुंबई छोड़कर आएगा, फिर उन लफंगों के साथ घूमता फिरेगा, क्या हो गया है तुझे? एक तो यहाँ तेरे पापा ठीक नहीं है, ऊपर से तेरी बहन की शादी नहीं हुई है, तू क्यों हमेशा हमें तकलीफ में डालता है? मुझे तो तुम रामाचारी। लाओ, मैं बात करता हूँ। हेलो बेटा। हाँ पापा। देखो बेटा, अब अपने कदम पीछे मत लो, हार हो या जीत हो जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहो, ठीक है ना? ठीक है पापा। तुम शांत हो जाओ। अच्छा। अरे ये क्या किया, पागल है क्या, मोबाइल क्यों तोड़ा? चल ढूंढते हैं, आजा। तूने फेंका है ना, तू जाके ढूंढ। मोबाइल तेरा था बे। मेरा था? मेरा मोबाइल किस लिए फेंका इसने? मेरे मोबाइल ने इसका क्या बिगाड़ा था? कहाँ गया? मिल भी नहीं रहा। उसमें मेरे कितने सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे। अरे कहीं ईट है क्या? कहाँ गया? उसमें मेरे इतने सारे कॉन्टेक्ट थे, सब चले गए। मेरा इकलौता मोबाइल था, वो भी खो गया। कितना कॉस्टली था, कितने लोगों से बात करके कैटरीना का नंबर जुगाड़ किया था, एक बार भी उसे कॉल नहीं किया था और इसने तोड़ दिया। अरे क्या करूं? ए विजय, चल मोबाइल मिल गया, चल। तुझे मिल गया? अबे मिल गया ना, येड़े
अरे कहाँ? मुंबई में गिरे मोबाइल को तू पुणे में जाके ढूंढ रहा है पागल। अरे दूसरे शहर में मोबाइल फेंकेगा तो टूटेगा ही ना। ऐसे क्यों देख रहा है यार? खाना खाएगा क्या? चल खाना ही खिला दे कम से कम। ए, क्या कर रहा है यार? अरे यार। ए विजय, रफीक को देखा क्या? रफीक को? उस तरफ नहीं बे, इस तरफ। किस गया? तरफ? अबे इस तरफ गया। अबे इस तरफ जा रहा है ना, देखना। ओ, वो रफीक नहीं, रसिक है। ये खाना खाते हैं, चला जा। देख तू मुझे खाना खिलाएगा, अच्छा खाना खिलाना, बहुत भूख लग गई है। देख भाई, मैं तेरी तरह कंजूस नहीं हूँ। चल वहाँ मिलिट्री होटल है, वहाँ जाके कुछ अच्छा खा लेते हैं, पेट भर जाएगा अपना। ये तूने हाथ धोया कि नहीं? नहीं, बस शर्ट से पोंछ लिया। ठीक, गंदा। विजय, हाँ? इस फैन को देखकर लगता है ये पक्का तेरे सर पे गिरने वाला है। हाँ? तेरा इमेजिनेशन ही अलग है, मेरे सिर पे गिरेगा तो तुझे भी लगेगा ना। बात करता। देख, अगर आज ये गिरा तो दोनों के सर पे गिरने वाला है, अगर ये कल गिरा ना तो सिर्फ तेरे ही सर पे गिरेगा। पता है क्यों? किस लिए? क्योंकि कल मैं जा रहा हूँ गाँव। पीने के बाद कुछ भी राग देता है ना तू। ए, मैं कोई राग नहीं दे रहा हूँ। अरे अरे, छत पे कपड़े सूखने रखे। ए, छत से कपड़े लेकर आ जाना। जाना? अगर मैं गया ना विजी, तो ये फैन को पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। गिरेगा तो मैं ही पकड़ूंगा ना, तू जा। मुझे पता था तू नहीं करेगा, इससे कहना ही नहीं चाहिए था। विजी। आंटी, मैंने ना मैट सुखाने के लिए रखा था, आते हुए लेते आना। ठीक है आंटी। तुम आखिर ऐसे कैसे बोल सकती हो? इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? उस रफीक के साथ बाइक पर बैठ के आते वक्त तुमने अलमारी की चाबी खो दी। जिस जगह गिर गई थी उस जगह फिर से ढूंढने गया था, नहीं मिली तो उसमें क्या कर सकते हैं? चाबी वाले से दूसरी बनवा लेंगे, सोमवार बैंक लॉकर में रखवा देंगे। तुम इतनी टेंशन मत लो। मैं पूछ क्या रहा हूँ, तुम बोल क्या रही हो? सब कुछ तो मैं अकेले ही कर रही हूँ, जब तक किटकिट ना करो तुम्हें शांति नहीं मिलती क्या? आंटी। हाँ। आपके कपड़े। थैंक्स बेटा। नहीं कोई बात नहीं, अच्छे खासे सूख गए थे, फिर से गीले हो गए। अरे विजय, बारिश हो रही है, ये ले अदरक की चाय पी ले। तूने बनाई है ना तो कड़क ही होगी। मस्त है यार। अरे ये तो रफीक की शर्ट है, पहले इसको बाहर फेंक के आ। चल। अच्छा, ए तू जाके बाहर फेंक के आ। ए, मैं लेके आया क्या? तेरे सामने रहता हूँ तो तू काम बोलता है, ऊपर जाता हूँ तो आंटी काम बोल देती है। उनकी कोई चाबी खो गई है, ज्यादा देर वहाँ रुकता तो ढूंढने के लिए कह देती। क्या बोला? अरे कोई चाबी खो गई है उनकी। चाबी खो गई है? किसकी? अलमारी की चाबी खो गई है। ये वही चाबी है क्या? शायद, शायद नहीं। उनको जाकर वापस दे दे। अब पर्स के पैसे के बारे में पूछा तो? ए, चिल्लर सोच के बाजू में रख, मैं तो कुछ बड़ा सोच रहा हूँ, लेकिन उसे पूरा करने के लिए हमारे पास बस एक ही दिन है। रामाचारी, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं सोच रहा है ना? ए, ये पकड़, जा जाके दे आ फिर। इसको तू लेके जा और आंटी को देके आ। रामाचारी, तू क्या करने की सोच रहा है? विजय, तुझे डर डर के सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ। इंसान को जिंदगी में हमेशा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ए, मैं जाकर दरवाजा बंद कर देता हूँ, कहीं कोई सुन न ले। ये ले पकड़। रामाचारी, तूने लूटने की सोच रहा है क्या? अब ये उनकी चाबी नहीं हुई तो? विजय,
ये रफीक उस तरफ गया था ना, इसका मतलब क्या है? आंटी की चाबी उसके पास भी हो सकती है, क्योंकि वही तो ढूंढने गया था। वो सोचेंगे चांस पे डांस किया। उसने हमें भी देखा होगा ना? तूने उसको देखा था क्या? जब मैंने बोला तब तूने देखा ना? मतलब क्या हुआ, उसने हमें देखा ही नहीं है? अगर देखा भी है तो क्या हो गया? खाना खा के घर आ रहे थे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं इस रफीक को इस केस में फंसाने की सोच रहा हूँ। अरे यार, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख विजय, वो गया था चाबी ढूंढने के लिए। जब आंटी ने चाबी खो दी तो फिर उसे ही चाबी मिल गई। वो रफीक का शर्ट लाया है ना तू? हाँ। ज्यादातर पुलिस छोटे छोटे सबूत की तलाश में रहती है, वो क्लू उन्हें हम देंगे। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी तब आंटी ने उस चाबी को कहाँ खोया इस बारे में जरूर पूछेगी। चाबी खो जाने के बारे में रफीक और सिर्फ आंटी को पता था, यह बात सामने आ जाएगी। ये धागा, ये शर्ट का बटन रफीक का है, सब कुछ सिंक हो जाएगा। हाँ भाई, समझ गया, अब आगे बोलना। इस सोमवार को आंटी अपना सारा सोना बैंक में शिफ्ट करने की सोच रही है ना? हे, एक मिनट, उस अलमारी में सोना है, ये रफीक को कैसे पता? बहुत अच्छा सवाल पूछा है तूने। ओनर से जब चाबी खो गई तब रफीक को उसने बताया होगा, इसके पूरे चांसेस हो सकते हैं। देख विजय, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी तो सारी उंगली रफीक पर उठेगी, यह उसका टेंशन है। मुझे एक डाउट है। हमने नई अलमारी रखवाई थी ना, आंटी ने सारे जेवर उस नई अलमारी में शिफ्ट करवा दिया हो तो? चांस ही नहीं है। हमने उस दिन अलमारी उल्टी रखी थी, जरा याद कर। आंटी, वो हैंडल दीवार की तरफ लगा कर रखा है, चलेगा ना? कोई बात नहीं, वो दूल्हे को दहेज में दे रहे हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन चुराएंगे कैसे? आंटी, जब घर में नहीं होगी ना तब चुराएंगे। हर रविवार की शाम को आंटी मंदिर जाती है दर्शन के लिए, उस वक्त हम अपना काम कर सकते हैं। आंटी चली जाएगी पर बेटी होगी ना? विजय, वो तो अंधी है। हम अलमारी को तोड़ेंगे नहीं, चाबी से खोलेंगे। सुनो, चुराया हुआ सामान कहाँ रखोगे? विजय भाई, मैंने ना फिलहाल बाइक चुराने वाले चोर के बारे में डिटेल्स पढ़ी थी। वो बाइक को चुरा कर नंबर प्लेट चेंज करके बस स्टॉप पर खड़ी कर देता था, थोड़े दिनों बाद उसे कहीं और शिफ्ट कर देता था। केस ठंडा पड़ने के बाद वो बाइक को यूज करता था। इस बात के बारे में तब पता चला जब वो किसी दूसरे केस में अंदर गया था। हम इसी को फॉलो करेंगे, वो इसलिए क्योंकि वो दूसरे केस में नहीं फंसता तो इस चोरी के बारे में पता ही नहीं चलता। तो ये है सेफेस्ट तरीका। अब हमें क्या करना है, कुछ दिनों के लिए हम सारे जेवर क्लॉक रूम में रख देंगे और कुछ दिनों बाद हमें उसे दूसरे क्लॉक रूम में शिफ्ट करना होगा। केस ठंडा होने के बाद हम किसी बायर को ढूंढकर सीधे भेज देंगे। यार मुझे ये बहुत रिस्की लग रहा है। हाँ, अरे विजय, इस फैन की खटखट आवाज से जिस तरह तू डिस्टर्ब हो जाता है ना, उसी तरह ये डर भी सक्सेस के लिए डिस्टर्बेंस होता है। सोच के देख। विजय, चाहे कुछ भी हो जाए हमें आंटी को पता नहीं चलने देना है। बेकरी से छुट्टी ले लेंगे। हाँ क्यों बे, तू तो औरत को देखकर डर ही गया। अरे वो महिला मंडल की मेंबर है। अच्छा। अरे एक दिन वो बहुत चिल्लम चिल्ली कर रही थी, देखने के लिए बाहर आया तो देखा किसी सिनेमा के हीरो ने कोई गलत बात बोल दी थी, ये उसका पुतला बनाकर उसे जला रही थी। मैंने कहा तुम्हारा पति भी तो तुमको पीकर के गाली देता है ना, तो तुम उसका पुतला क्यों नहीं जलाती? बोलो, हीरो का पुतला बाद में जलाना, पहले उसका जलाओ। तू तो एकदम सही बोला। क्या कहा, सही बोला। उस दिन के बाद से वो मुझसे खुन्नस खाने लगी है, अगर उसके हाथ लग जाता ना तो पुतला छोड़कर मुझे जला देती। विजय, इस समाज की हम कठपुतलियां ही तो हैं। हाँ। ये पैसे वाले बस हमसे खेलते ही तो हैं। मुझे पैसे वालों से जलन होती है। क्या हुआ, खाना? दो मसाला डोसा। ए, आना, मेरा दोस्त ही तो है, उसके होम थिएटर में मूवी देखते हैं। देख विजय, तू और मैं बहुत क्लोज है ना, तो पुलिस को डाउट हो सकता है। अगर हमें झगड़ा भी हुआ तब भी पुलिस वालों को शक होगा, इसलिए संभल के रहने का।
ए रामाचारी, देख मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब करना जरूरी है क्या? देख विजय, ये पिक्चर का हीरो सीधा चांस पे डांस करता है, इसलिए तुझे ये पिक्चर पसंद आती है। लेकिन अगर यही पिक्चर का हीरो डर कर पीछे हट गया तो तुझे पिक्चर पसंद आएगी क्या? हम कोई हीरो हैं क्या? तेरा तो पता नहीं है, लेकिन मेरी लाइफ का मैं ही हूं असली हीरो। अगर पकड़े गए तो पता है क्या होगा? पूरी दुनिया में बदनामी हो जाएगी। विजय, दुनिया तो गाली देती रहेगी जब तक हम कामयाब नहीं हो जाते। अगर हम कामयाब हो गए ना, तो ये हमारे रिश्ते का है, ये हमारे गांव का है, ऐसा ही बोलते फिरेंगे हमारे बारे में। तुम कितनी तकलीफ लेकर आगे आते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। पर सारी तकलीफों को झेलकर अगर कुछ बन गए ना, तो ये दुनिया कुछ और कहेगी आपके बारे में। और बताओ, ये मराठी बोलता है, ये हिंदी बोलता है, ऐसी भाषा का भेदभाव करेंगे? एक और बात, तू कानून के हद में रह के जिंदगी जीने की सोच रहा है ना, पर इस दुनिया के बीच में रहने के लिए ना कुछ हदें पार करनी पड़ती हैं। अच्छे से समझ ले। रामाचारी, जब से हमने जेवर चुराने के बारे में सोचा है, नंदिनी की आंखें चली गई हैं और गणेश बिस्तर पकड़ चुका है। ये सब प्लस है क्या? रामाचारी, लेकिन भगवान तो सब देख रहा है ना? वो भगवान देख रहे हैं ना कि हम इतनी मेहनत करके एक वक्त की रोटी खा रहे हैं, तो फिर ये भी देखने देना। तारम परम तारम परम तारम परम तारम परम तारम परम। हेलो रामाचारी। हाँ माँ, क्या हुआ माँ? तुम्हारी बहन कंप्यूटर क्लास के लिए गई थी, पर वो अभी तक घर वापस नहीं लौटी। गांव वाले बोल रहे हैं कि वो किसी लड़के के साथ गांव छोड़ के भाग गई। ये क्या बात कर रही हो माँ? आना जी के माता पिता काचा बादाम। अबे सुनने देना। हाँ माँ। ये सब सुन के तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आ गया बेटा। उन्हें अभी तक हॉस्पिटल नहीं ले गए, एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं। ठीक है, शांत हो जाओ माँ, पापा को कुछ नहीं होगा। मेरे किसी दोस्त को बुलाया क्या? हरीश है यहाँ, ये लो मुझे दीजिए। हेलो रामाचारी। हाँ, अरे हरीश सुन, तू वहीं पर रुकना और जरा पापा का ध्यान रखना। मैं उनका ध्यान रखूंगा, पर तुम जल्दी आ जाओ रामाचारी। माँ वो जल्दी आ जाएगा। माँ एम्बुलेंस आ गई। माँ जल्दी चलो, जल्दी चलो। क्या हुआ बहन को, क्या हुआ है? सही वक्त पर शादी नहीं की ना, तो यही हाल होता है। टाइम पे अगर कोई चीज ना हुई ना, तो मामला बिगड़ जाता है। देखा ना यार, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अबे तो और क्या बोलूं मैं, अपनी माँ के जैसे मैं भी रोऊं क्या? मैं वहां पर जाकर अपना धर्म निभा के आता हूँ। ठीक है जा, पर जाते जाते चाबी भी फेंक के जा, लगता है हमारा टाइम ही ठीक नहीं चल रहा। आंटी। विजी, अभी हम सब मिलकर मंदिर जा रहे हैं पूजा के लिए, तुम और रामाचारी भी आ जाना। हाँ आंटी, रामाचारी के पापा को हार्ट अटैक आया है। अरे रामाचारी, हमें अभी पता चला, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ रामाचारी, कुछ भी नहीं होगा, संभल कर घर जाना, ऊपर वाला है ना। ठीक है, अब हम चलते हैं। ठीक है आंटी। विजी, रामाचारी को बस में बिठाकर तुम भी मंदिर आ जाना। ठीक है? ठीक है। रामाचारी,
हेलो, विजय चलना यार। रामाचारी, अबे क्या हुआ तुझे, चलना। पापा चल बसे। आंटी, 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 विजी, रामाचारी को छोड़कर आ गए? उसके पापा चल बसे। क्या हुआ दीदी? सारे जेवर चोरी हो गए, एक भी जेवर नहीं बचा। शांत हो जाओ बहन। अरे आंटी, आप टेंशन मत लीजिए, सारे जेवर मिल जाएंगे। अब क्या करें? व्हाट्सएप पे लाइव लोकेशन आया है, मैं जानता हूँ चोर कौन है। चोर कौन है मैं अच्छे से जानता हूँ। क्या तुम्हें पता है वो चोर ही है? हा? सिर्फ चोर, सब कुछ चला गया। तुम भी मर जाओ और मुझे भी जहर देकर मार दो। सर, मुझसे लीजिए सर, ये बोतल देखिए, जी भर के पीजिए। मुंह बंद करो जी, खड़े खड़े बकवास कर रहे हो। भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपको विश्वास नहीं है क्या? पुलिस में कंप्लेन की है ना? आज नहीं तो कल मिल जाएगा। हेलो, हाँ कहाँ पर हो? हाँ तुम जल्दी से आ जाओ। ओके, हाँ मेरे पास चैनल से फोन आया था, वो आ रहे हैं। तुम जाकर शर्ट पहन कर आओ। ए, तू केबल टीवी वाला है ना? उठे जी, बेटा, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने लॉकर को तोड़कर सारे के सारे जेवर चुराए होंगे। लॉकर की चाबी आपके पास ही थी ना? ये बटन और धागा मुझे लॉकर में मिला। क्या लॉकर की एक ही चाबी थी? नहीं, रफीक के साथ शनिवार को गाड़ी से आते हुए चाबी गिर गई थी। अंदर कदम मत रखना, तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप मर गया, तू बाहर ही खड़ी रह। इतने दिनों के बाद मुंह उठाकर चली आई है ये। लक्ष्मी, वो देख तेरी बेटी आई है। अम्मा, क्या मुंह लेकर तू यहाँ पर आई है? इस घर की इज्जत को तूने बर्बाद ही कर दिया है। इसके साथ भागी थी ना? तो जा, निकल जा मेरे घर से, चली जा। ये लड़की मेरे पति को। शांत हो जाओ माँ, सुनो, तुम जाओ अंदर।
पापा, पापा। सर, रफीक का रूम चेक करने पर बटन का मैच करने वाला ये शर्ट मिला है। सर, आप उसे क्यों छू रहे हैं? वो मेरा पर्सनल बैग है। ए, वो बंद कर। क्यों सर? ए, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? परसों रात को तेरे साथ बाइक पर आते वक्त वो चाबी खो गई थी, पर वापस जाते वक्त वो चाबी तुझे मिल गई थी। कल शाम को जब ये लोग मंदिर गए थे तो तू जानता था कि जेवर घर में ही है, इसलिए उनके मंदिर से लौटने से पहले ही तूने चुपके से घर में आकर सारे जेवर चुरा लिए। सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी सर। तो फिर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन दिखा। सर, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे तो लगा था कि तू कोई और ही कहानी सुनाने वाला है, जैसे कि मैं यहाँ था ही नहीं सर, मैं अपने दोस्त के घर था, ऐसा बोले। सर, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ सर। इस तरह का हो या उस तरह का, चल स्टेशन में दिखाते हम किस तरह के हैं। देखे, ये है मुंबई पुलिस, आधे घंटे में चोर को पकड़ लिया। मुंबई पुलिस की जय। सर, कौन से फ्लोर पे रहता है? ग्राउंड फ्लोर पे सर। ए, मैंने सवाल उससे पूछा है, तुझसे नहीं। बता, तेरा नाम क्या है? सर, मेरा नाम विजय है और मैं नीचे के फ्लोर पर रहता हूँ। ये रफीक तेरा फ्रेंड सर? है? नहीं सर, नहीं, मैं और वो एक ही बिल्डिंग में भाड़े पर रहते हैं सर। ये बता, तू काम क्या करता है? सर, मैं बेकरी में काम करता हूँ सर। तो तू अभी तक काम पर क्यों नहीं गया? सर, जाने का टाइम हो गया है, निकलने ही वाला था सर। तू यहाँ पर अकेला रहता है? जी हाँ, अकेला। नहीं सर, रामाचारी इसके साथ रहता है, दोनों बहुत क्लोज हैं सर। एरोप्लेन में बिठाकर उड़ा दूंगा। जमीन पर रहना है तो मुंह बंद करो। ए, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? सर, हम दो लोग हैं सर, मैं और मेरा दोस्त रामाचारी, हम दोनों फ्रेंड हैं। लगाइए, लगाइए, सिगरेट पे लगाइए या किसी और पे लगाइए, लेकिन आग को लगाइए सर, क्योंकि आप पुलिस वाले हैं। अभी वो कहाँ है? सर, वो शाम को गांव गया है सर। तेरे दोस्त के पापा गुजर गए, पर तू यही है, तू क्यों नहीं गया? सर, सर वो बेकरी में कोई नहीं रहता ना। अब रोकर आखिर क्या होने वाला है? तुमने जो भी किया वो गलत किया। मेरे पति की जान तेरी वजह से गई है, तेरी वजह से। मैं स्पॉट पर ही हूँ सर। लड़के का बाप सच में गुजर गया और अंदर किसी बात पर झगड़ा भी चल रहा है। लोगों से पूछूं क्या सर? नहीं नहीं, रहने दो, मैं देख लूंगा क्या करना है। अभी वो सब करने की जरूरत नहीं है। अक्यूज्ड मिल गया है। तेरे फ्रेंड के आते ही उसे पुलिस स्टेशन आने के लिए बोल देना। ठीक है सर, बोल दूंगा। ए, सर अपना फोन नंबर लिखा के जा। स्मरेत शाम्भमीषाणं सपाभ्यां मन्दरस्तुतिः मम यजमानस्य। स्मरेत शाम्भमीषाणं सपाभ्यां मन्दरस्तुतिः मम यजमानस्य। कितना टाइम यार। तू है, आजा आजा, बैग दे। फैन चलाना। पहले अंदर तो आ। तुझे पता है एक हफ्ते से तू यहाँ पर नहीं था, पता है कितना टेंशन हो गया था, मुझे तो बुखार भी हो गया था। चाहे तो हाथ लगा के देख। बार बार मुझे लग रहा था कि उन्हें तुम पर शक हो जाएगा। पर जैसा तूने सोचा था, वो रफीक को पुलिस स्टेशन लेकर गए, पर उसका मामा बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, एक ही दिन में उसे वापस ले आया, उसने रूम भी छोड़ दिया। ठीक है, आजा। वो सब ठीक है, पर मेरा फोन स्विच ऑफ करने का क्या मतलब? ये सब तू नहीं समझ सकता। बेचारी वो ऑनर आंटी। ये सब ना चुराने के पहले सोचना चाहिए था, चुराने के बाद नहीं सोचने का। अरे, और अगर बाद में सोचेगा ना तो वो बहुत बड़ा पाप है। अरे ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं अब क्या बोलूं, छोड़ ना। ऐसी बात वैसी बात नहीं, सोचा चुपचाप। अच्छा भाई, तू मुझे क्या बताने वाला था?
चोरी हुए गहनों की भरपाई के लिए ऑनर आंटी कहीं भाड़ा ना बढ़ा दे, यही सोच रहा था। गुड नाइट। कैसा आदमी है। एक और इम्पोर्टेंट बात है। पुलिस ने तुझे गांव से लौटने के बाद थाने में आने के लिए कहा है, जाएगा ना? जरूर जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे ना तो अपने पे डाउट होगा। हाँ भाई, डर है कि कहीं रफीक को अरेस्ट करने के बाद वो हमको अरेस्ट न कर ले। तेरे पापा के चले जाने की वजह से हम लोग बच गए, वरना मैं भी अंदर होता। अरे यार, क्या मुझे ही घूरता रहेगा क्या? चल अब सो जा, सुबह काम पे जाना है। विजय। अरे बोल ना यार, क्या काम है? देख विजय, माँ की हालत ठीक नहीं है, मेरी बहन ने भाग के शादी की और अब वो वहीं रह रही है। इतना ही नहीं, अभी वो प्रेग्नेंट भी है। अभी तो भाग कर गई थी और अभी से हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन। थू तेरी तो। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो गांव से कब लौटा? कल रात को सर। तेरी माँ कैसे गुजर गई? ए, माँ कैसे गुजरी ये पूछ रहा हूँ। सर, माँ बिल्कुल ठीक है, पापा गए हैं। सर, मेरे पापा गुजर गए हैं। इस केस से जुड़े सभी लोगों के फोन को टैप किया गया था। इसने तुझे कई बार फोन किए पर तूने कभी रिसीव नहीं किया। इसने तुझे जितने भी नंबर से कॉल किया तूने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। क्यों? सर, बता क्यों? सर, मेरा फोन गुम हो गया था सर, दूसरे नंबर से भी फोन किया सर, फोन की घंटी लगातार बज रही थी लेकिन कोई फोन उठा नहीं रहा था सर। नई कहानी बना रहा है? नहीं सर। सर, ये सच बोल रहा है सर, बेकरी ओनर को फोन किया था तो इसका मोबाइल खो गया है पता चला। सर, विजय को फोन देंगे? हाँ, विजय भाई, रामाचार्य का फोन आया है। हेलो विजय। कौन? रामाचार्य, कैसा है तू? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। ठीक है, आ जा। हाँ ओके ओके, ठीक है। हाँ, सर, इस महीने की पगार मिलते ही नया फोन लेकर उसका नंबर आपको दे दूंगा। हाँ, सर। ए, उस मुस्लिम लड़के का नाम क्या है? सर, उसका नाम है रफीक। हाँ, उस रफीक की कोई जमानत करवा कर यहाँ से ले गया है, वरना मैं उसकी, वो तो शुक्र मनाऊं कि जिसके जेवर गुम गए हैं उसने ज्यादा प्रेशर नहीं दिया है, लेकिन अगर इस केस में हायर अथॉरिटी का प्रेशर मुझ पर बना तो वो प्रेशर तुम पर अलग तरीके से बनेगा, समझ लेना। मैं जब भी तुम्हें स्टेशन पर बुलाऊंगा तो चुपचाप चले आना। समझ गए ना? हाँ समझ गए। चलो निकलो यहाँ से। चल। हे, एक मिनट रुक। सर, जैसे ही तू नया नंबर लेगा वो और बेकरी वाले का नंबर, चुपचाप यहाँ लिखवा जाना। समझ गया? हाँ। चल यार। मोबाइल दे। ये मेरे पास ही रहने दे, मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ। विजय, अगर पुलिस स्टेशन में कोई नंबर मांग ले ना तो नंबर दे देना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। अगर गलती से तुझे किसी ने फोन किया तो फोन पे तू सब कुछ बक देगा। हाँ। मैं अच्छे से जानता हूँ तेरे बारे में। हाँ। अच्छा सुन, तूने कभी फोन करने का ट्राई किया था क्या? नहीं किया था। मैंने तेरा फोन स्विच ऑफ ही नहीं किया था। क्या? देख, अगर पुलिस ने तुझे फोन करने का ट्राई किया ना तो वो ट्रेस भी जरूर करेगी, तो कहना कि आखिरी कॉल तूने मुझे लगाया था। पर एक और बात बोलना, मैंने उठाया ही नहीं। उस दिन तो किसी को फोन ही नहीं किया। मैंने तो कॉल किया ना। इन केस अगर फोन नंबर तूने नहीं दिया तो उनमें क्यूरियोसिटी ज्यादा हो जाएगी और उससे वो लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे, इसलिए देने के लिए बोला। अगर कल वो उठ के पुलिस स्टेशन में बुलाएंगे और अगर इस बारे में कुछ पूछ लिया ना कि फोन उठाया क्यों नहीं, तो तू बोला मोस्टली बैटरी ड्रेन हो गई थी, नहीं तो किसी ने फोन चुरा कर तेरा मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। देख विजय, पुलिस अपना काम खत्म किए बिना शांति से नहीं बैठने वाली। हमें उन्हें बहुत ही होशियारी से भरोसा दिलाना होगा। वो लोग जब भी कोई सवाल पूछेंगे ना तो हमारे पास उसका जवाब होना चाहिए, फिर तो शक का कोई चांस ही नहीं है। हाँ।
जब पुलिस ने मुझे मारा था तब मुझे डर था कि कहीं तू सनक न जाए। सनक जाएगी? मुझे देखकर तो मुझे हंसी आ रही थी। हाँ? पुलिस का कमजोरों से उगलवाने का ये ट्रिक होता है, समझा? हाँ। विजय, अगर उन्हें एक भी चांस मिला ना तो वो हमें बंद कर देंगे। तू बता, अगर उन्होंने तेरी धुलाई की तो तू डर के बता देगा? कुछ भी बोलता है, अकेला तू ही झेल सकता है क्या? कम से कम दो दिन के बाद बताता। ए, उन्हें कोई सबूत तो नहीं मिला होगा ना? चांसेस तो हो सकते हैं विजय, इसके बारे में तू सोच के देख। पर अगर अब तक क्लू मिला होता तो कंफर्म हम जेल की रोटी तोड़ रहे होते। फिंगरप्रिंट्स। क्या बोला? उस दिन पुलिस ने अलमारी से फिंगरप्रिंट्स लिए थे। ए, मैंने रुमाल पकड़कर बहुत केयरफुली चोरी की है, उसमें सिर्फ ओनर्स के ही फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेंगे बल्कि बाकियों के भी फिंगरप्रिंट्स होंगे। विजय, फिंगरप्रिंट्स नहीं हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है, बस तू सोच के बता, समझा? ए विजय, अभी तक वही सोच रहा है क्या? कोई आइडिया दिमाग में आया कि नहीं? कोई आइडिया नहीं आ रहा है यार। विजय, तू सोच कर देख, पुलिस अगर तुझे पूछेगी कि चोरी के दिन तुमने बेकरी बंद क्यों रखी थी तो तू क्या बोलेगा? हाँ, अगर पूछेंगे तो पूछने दो। क्यों की थी? उसको रहने दे, अगर पूछेंगे तो मैनेज कर लेंगे। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ओनर आंटी के घर को जो आदमी अच्छे से जानता हो वही ये काम कर सकता है। देख, रूम में गणेश भाई हमेशा सोए रहते हैं और वो बिस्तर पर पड़े हुए हैं, इस बारे में किसी अजनबी को पता होगा ये चांस ही नहीं है। तो इसका मतलब ओनर आंटी के घर को अच्छे से जानने वाला ही ये काम करेगा। विजय, अगर पुलिस इस एंगल से सोचेगी तो कंफर्म है उनकी लिस्ट में हम दोनों का नाम होगा। ऐसा है क्या? विजय, तू चिंता मत कर, पकड़े जाने की एक संभावना होती है पर भागने के लिए कई संभावनाएं होती हैं। अब क्या होगा? सोचा था आधा घंटा आराम करने के बाद 3 बजे दुकान खोलूंगा, ये ऑनर भी ना कहता है 2 बजे दुकान खोलना है, इस समय कौन खाने आता है? रामाचारी। हेलो। हाँ आंटी, घर पर हो क्या? हाँ अभी अभी तो आए हैं आंटी, बात करनी थी, ऊपर आ जाओ। ठीक है। किसका फोन? तू अंदर चल, ओनर को कुछ बात करनी है, मैं जरा होके आता हूँ। रामाचारी। हाँ? आओ आओ बैठो ना। मैंने फोन करके तुम्हारे पापा के बारे में भी नहीं पूछा क्योंकि यहाँ पर हम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तुम्हें तो पता ही होगा कि क्या हुआ था। पता चला आंटी। वो सोना इसकी शादी के लिए एक एक करके जमा किया था, हीरे भी थे, सारे के सारे जेवर चले गए, सब चोरी हो गए। अभी तुम्हारे घर में सब ठीक है ना? माँ कैसी है? वो भी ठीक है आंटी। हमारी जिंदगी भी देखो, इस आदमी के लिए मैंने अपने घर से भागकर शादी की थी, ये पता चलने पर मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसे। हाँ माँ? गांव वाले बोल रहे हैं कि तेरी बहन किसी लड़के के साथ भाग गई। मैंने अपने घर से भागकर शादी की थी, ये पता चलने पर मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसे। माँ बोलने दे बेटी, तुम मेरे बेटे जैसे हो इसीलिए बोल रही हूँ। घर वालों ने मुझे आखिरी बार उनका चेहरा भी देखने नहीं दिया। क्या मुंह लेकर यहाँ आई है? इस घर की इज्जत का नाश तूने किया है। तभी मेरा भाई अंदर से आया और मुझे अंदर जाने के लिए कहा। तब से लेकर आज तक मुझे मेरे भाई रवि ने ही सहारा दिया है, ये घर भी उसी ने बना कर दिया। रामाचारी। हाँ बोलिए आंटी। मेरा भाई रवि सिंगापुर में रहता है, कल वो आने वाला है। वो बहुत ही जिद्दी है, जेवर चोरी होने की बात फोन पर बताई तो उसने बहुत सुनाया मुझे। कल अगर उसने चोरी के बारे में कोई पूछताछ की तो या तुम्हें उल्टा सीधा बोल दे तो दिल पर मत लेना बेटा, ये बात तुम विजी को भी बता देना, बस यही कहने के लिए बुलाया था। इस
आदमी के लिए मैंने अपने घर से भागकर शादी की। ये पता चलने पर मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसे। विजय, विजय, क्या हुआ, क्या बात है? मैंने यहाँ पर किताब रखी थी, कहाँ है? अच्छा, वो तो रद्दी वाले को दे दी। क्यों? ठीक है, वो सब छोड़। हाँ, तूने मेरी बहन के बारे में किसी को कुछ बताया था? नहीं तो, पर मैंने तेरे पापा के बारे में बताया था। हाँ, पर बात क्या है? क्यों भाई, ऑनर आंटी ने कुछ बोला क्या? नहीं, कुछ बोली नहीं, पापा के गुजर जाने के बारे में बस पूछ रही थी, और कुछ नहीं। रामाचारी, एक कोल्ड कॉफी। सर, पिछले हफ्ते हमारे घर मालिक के जेवर चोरी हो गए हैं। पुलिस वालों को अगर चोरी किए हुए जेवर वापस ना मिले, क्या वो किसी और के जेवर देकर चीजें सेटल कर सकते हैं? बैठो रामाचारी। तुम्हारे दोस्त ने बताया तुम अपने पापा के अंतिम संस्कार के लिए गांव गए थे ना? यहाँ दाल में कुछ काला है रामाचारी। जिस तरह मुझसे पूछा ना, वैसा किसी और से मत पूछना, नहीं तो उन्हें तुम पर शक आ जाएगा। इस केस को इंस्पेक्टर शशिधर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना? एकदम घूसखोर आदमी है वो, बिना मतलब के कभी दिमाग नहीं लगाएगा। अगर किसी केस पर ऊपर से दबाव नहीं आएगा तो प्रोसीड ही नहीं करता है। इतना ही नहीं, अगर ऊपर से दबाव आता है तो किसी भी इनोसेंट को पकड़ कर केस को बंद कर देता है। तुम जैसे लोग जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं होता है, उनके साथ मारपीट कर झूठ बुलवा के उन्हें जेल में डालकर केस को क्लोज कर देता है। रामाचारी, अपने दोस्त को देखो, ये हमेशा मिचमिचाती आंखों से देखता रहता है। शक की नजरों से देखो तो हर आदमी अपराधी दिखाई देगा। जिस बात से लेना देना नहीं है उस बारे में सवाल पूछकर खुद को शक के घेरे में मत लाओ। तुम्हारी बेमतलब की जिज्ञासा है रामाचारी। क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। क्या बोल रहा था वो? पहले तो अपनी आंखें मिचकाना बंद कर यार। आंखें? ए बता ना क्या बोल रहा था। हेलो, हेलो रामाचारी। हाँ दीदी। कुछ नहीं, बस तुमसे 2 मिनट बात करनी थी। हाँ बोलो दीदी। ज्योतिषी के पास गई थी अपनी कुंडली लेकर, वो कह रहे थे मुझे लड़की ही होगी। वो अंधी है। आपने खाना खा लिया ना? तुम्हें अपना भाई समझकर बता रही हूँ। इतना ही नहीं, वो कह रहे थे कि ससुर जी की देखभाल भी मुझे ही करनी होगी। अरे यार, वो भी देखने दो ना भगवान को। हेलो रामाचारी। ठीक है दीदी, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, रात में कॉल करता हूँ। अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है बाद में करना। घर से कॉल आया था ना, क्या बात हो गई? कुछ नहीं यार, वो सब तो ठीक है, पर वो मिलिट्री वाला क्या बोला? बताऊंगा तो भी तेरी समझ में नहीं आएगा विजय। क्या यार, जब देखो तब बोलता है, समझेगा नहीं समझेगा नहीं। देख, जब मेरी समझ में आ जाएगा ना तब मैं तुझे भी समझा दूंगा, ठीक है ना? देखते हैं। जाए, चल जा। जा रहा हूं। आंटी, आंटी,
आंटी ये क्या है? अरे तू? मैं वो नीचे रहता हूँ। तो यहाँ क्या कर रहा है? मैं भाड़े देने के लिए आया था। काम कहाँ करता है? बेकरी में काम करता हूँ सर। जेवर चोरी के बारे में तुझे पता है? सर मुझे कुछ पता नहीं है सर। मेरे सिंगापुर जाने के पहले चोर कोई भी हो मैं रामाचारी उसे पकड़ लूँगा। रामाचारी जल्दी आ रामाचारी। कौन है रामाचारी? तू कौन है? ये अकड़ सिंगापुर में दिखाना। अरे रवि, रवि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम चुप रहो दीदी, जब इसके कान के नीचे बजाऊंगा ना सारा सच उगल देगा। अरे तुम पहले अंदर चलो। रामाचारी बुरा मत मानना बेटा, वो थोड़ा ऐसा ही है। बाड़ा ठीक है, चल चलते हैं। अच्छे, मेरे काम के बारे में पूछ रहा था, वो कुत्ते की तरह झपट पड़ा, मेरे तो पसीने छूट गए थे यार। एक बात अच्छे से सीख ले, लाइफ में बात बात पर भड़कने वाला कभी कुछ उखाड़ नहीं पाता। चल रामाचारी, वो लड़की कैसे हो भैया? मैं अच्छा हूं बहन। रामाचारी बोलो। मेरी शादी कैंसल हो गई रामाचारी, वो किसी और लड़की से प्यार करता था, उसने उसी से शादी की, तब मुझे पता चला कि सच्चा प्यार आखिर क्या होता है। 23A। हाँ? मुझे इस बस में नहीं जाना है। मुझे जाना है वो बस है, तुम यहीं पर रुको और जब भी तुम्हारी बस आ जाएगी तो उसमें चली जाना। ए रामाचारी, मैं चलता हूं। रामाचारी तुमने उससे ठीक से बात क्यों नहीं की? उसने कहा ना कि वो समझ गई प्यार क्या होता है। अरे यार, उसे मैं अचानक बस स्टॉप पर मिल गया तो वो बात करने आ गई, और तुझे लगता है कि वो मुझे ढूंढती हुई आई थी क्या? वो प्यार को कितना समझी है या नहीं समझी ये तो मुझे नहीं पता, पर जिस दिन वो छोड़कर गई थी ना उस दिन पता चला था कि प्यार क्या होता है। अगर उसकी शादी हो गई होती तो फिर अपने पति और बच्चे के सामने मुझसे बात करना तो दूर, बल्कि मुझे पहचानने से भी इनकार कर देती। देख विजय, लड़कियों की जिंदगी ना अपने आप आगे बढ़ती रहती है, वो चाहे या ना चाहे पर चलती रहती है। लड़कों का ऐसा नहीं होता, हर कदम पर हमें मेहनत करनी पड़ती है, समझ गया ना? चल वो सब छोड़, ऑलरेडी एक औरत का श्राप लगा हुआ है। हाँ? क्या कहा? छोड़, तुझे बाद में बताऊंगा सब। तूने कुछ बोला ना? अरे बोला ना, छोड़ ना यार। टिकट कहाँ जाना है? दो चांदी वाली स्टूडियो। हाँ हेलो। अरे हेलो बापू, मैं हूँ बापू वीजी भाई, लाइब्रेरी, ये मेरा नया नंबर है। हाँ, नंबर देने के लिए ही कॉल किया था, बाकी सब ठीक है ना? लाइब्रेरी में बैठा और चिल्ला। गांव में सब ठीक ठाक है ना? और क्या खबर, बारिश हुई ना? हाँ, यहाँ पे तो रात को बारिश हुई थी। हेलो सर, बात मत कीजिए, एकदम शांत बैठिए, समझ गए? शांत बैठने के लिए बोल रहे हैं, आपको बाद में कॉल करता हूँ। अरे रफीक। हाय रामाचारी, ठीक हो ना तुम? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। पापा गुजर गए ना? क्या से क्या हो गया यार? रामाचारी मुझ पे भरोसा है ना तुझे? हाँ है ना रफीक। थैंक यू सो मच रामाचारी। हाँ आंटी कैसी है यार? वो तो अच्छी है। वो परसों मैं नमाज के लिए जा रहा था तो आंटी मुझे मिली। आंटी कैसी है आप? हाँ रफीक। वो उस दिन पुलिस मुझे ले गई थी, मैंने ये सोचा कि आप उनसे कहेंगी कि रफीक ने चोरी नहीं की। रफीक वो मैं। कोई बात नहीं आंटी, मैं समझ गया था। उस वक्त सिचुएशन ही ऐसी थी कि अपार्टमेंट में रहने वाले सभी लोग बहुत अच्छे हैं, एक परिवार की तरह हैं।
किसी का हाथ मत छोड़िएगा, ना किसी और पे शक कीजिएगा आंटी। मैं चलता हूँ, बस मेरी उनसे इतनी ही बात हुई थी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। रफीक। हाँ। अरे विजय, ठीक हो ना तुम? हाँ ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। अच्छा रामाचारी, अब मैं चलता हूँ, है ना? मिलते हैं विजी। हाँ? ए, वो यहाँ क्यों आया था? अरे दिख गया तो बात कर ली यार। किस लिए? कुछ नहीं, छोड़ना यार। पर तूने उसके साथ बात क्यों की? तुम काम पर गए थे ना, इसीलिए अभी बुलाया, नहीं तो तुम्हें पहले बुला लेता। देखो यार, मैं कोई इंक्वायरी नहीं कर रहा हूं, बस कुछ सवाल पूछ रहा हूं। आप कुछ भी पूछेंगे इंक्वायरी ही लगेगी सर। तुम दोनों से बात करने के लिए तुम दोनों को एक साथ बैठाया है। उस दिन के लिए बुरा मत मानो, मैं थोड़ा ज्यादा गुस्से में था इसीलिए बेमतलब चिल्ला दिया। अचानक अगर घर के अंदर चोरी हो जाए तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? हमारा कोई बड़ा परिवार नहीं है, शायद मेरी किस्मत में शादी करना नहीं लिखा था। मेरी जिंदगी में बस मेरी बहन और मेरे जीजा जी हैं, मेरे लिए ये दोनों सब कुछ है। दीदी ने बताया कि तुम दोनों बहुत ही अच्छे लड़के हो। तुम्हें उस लड़के पर कभी शक नहीं हुआ? नाम क्या था उसका? रफीक। ओ रफीक, दीदी बता रही थी वो भी बहुत अच्छा लड़का है, पर मैं नहीं मानता, भगवान कहे तो भी नहीं मानता। इस घर में हर तरह के भगवान की पूजा होती है, चोरी होने से क्या उस भगवान ने रोका? मुझे तो पुलिस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि उनके लिए 100 में से ये केस है, वो किसी से ढंग से सवाल भी नहीं कर रहे हैं। मरने वाले के रिश्तेदारों का दुख शमशान का चौकीदार क्या समझे? ठीक है सर। आंटी हम लोग चलते हैं। ठीक है बेटा। बातचीत के बहाने से पूछताछ ही कर रहा था। क्या मनी मन में बात कर रहे हैं यार? उसने बात करने के लिए बुलाया था या पूछताछ के लिए? मुझे तो उसके बात करने का तरीका पसंद ही नहीं आया, तुम्हें क्या लगता है? सर आपको कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं, जाओ। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगते हैं, संभल कर रहना। ए, इधर आ, साहब तेरे को बुला रहा है। आया। चला। सर क्या बात है सर, अब क्या हो गया? सर ओनर के घर पर हुई चोरी का कुछ पता चला क्या? कोई क्लू मिला क्या आपको? मैं कुछ बताने के लिए आया हूँ। 2 हफ्तों से हमारे घर का कोई चक्कर लगा रहा था, आज उसे मैंने बस स्टॉप पर देखा है, उसकी कंप्लेंट लिखानी है सर। हे, उस घर के अंदर एक बीमार आदमी रहता है, और जेवर कहाँ रखे हैं वो किसी बाहर वाले को कैसे पता होगा? जो ये सब जानता था उसने ही चुराए हैं सर। हे ले जा। अब क्या हो गया सर? अब चले, इधर बैठ। उस घर में पहले किराए पर रहने वाला, बाद में किराए पर रहने वाला, दूध वाला, पेपर वाला, केबल वाला, इन सब से पूछताछ चल रही है। और इतना ही नहीं, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे रिश्तेदारों के गांव में, हर जगह पूछताछ चल रही है। तुम्हारे बेटे की गलती है, इंक्वायरी के लिए आए। मेरे बेटे ने कोई गलती नहीं की है, यहाँ का हर एक घर मंदिर जैसा है, तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। देखो हमें काम करने दो, बीच में मत आओ। जाओ यहाँ से। सर बहुत लोग हैं सर, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं हमें। अरे तो क्या हो गया? सर सर्च वारंट नहीं है, ऊपर से मुस्लिम एरिया ये। पुलिस वाले कभी भी किसी का धर्म और जाति देखकर तलाशी नहीं करते हैं। ए, पूरी टीम लेकर घुस जा और तलाशी लो। ठीक है सर। सर एक मिनट सर। क्या है? मैं प्रेस से हूँ सर। ए, बैठ जा। सर मैं तो बस बता रहा था सर। तेरी तो सर 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 बापू बापू। हेलो बेटा, इधर आ। आप है तू? अब इसकी बात भी अच्छे से सुन। नहीं नहीं बेटा, हेलो स्पीकर पे रख, हेलो लाउड स्पीकर रख। क्या कह रहा हूँ? हेलो बापू। क्या रे, शहर में जाकर ऐसा क्या बड़ा काम कर दिया कि पुलिस घर में रेड मारने आ गई? रेड?
तू कोई बड़ा पॉलिटिशियन है कि रेड पड़ेगी? नहीं भग, रेड पड़ी है बापू। बहुत सही टाइम पे फोन किया बापू। राजा जोर से लगी क्या? ए स्पीकर। हाँ माँ। हेलो। हाँ बोलो माँ। रामाचारी, पुलिस घर में घुस आई है बेटा, पूरे घर की तलाशी ले रही है, क्या हुआ है? माँ कुछ नहीं हुआ है, ओनर आंटी के जेवर चोरी हो गए थे, आपको बताया था ना, इसलिए पुलिस सबके घर की तलाशी ले रही है। आप डरो मत माँ। ना बेटा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ऐसे अचानक पुलिस घर में घुस जाएगी तो किसी को भी डर लगेगा ना। माँ पापा का आशीर्वाद है ना हमारे साथ, आप बिल्कुल डरो मत, उन्हें घर की तलाशी लेने दो। सर, आप हमसे बिना पूछे इन सबको यहाँ क्यों ले आए? मैंने आपसे कहा क्या कि इनसे पूछताछ कीजिए? ये लोग मेरे घर के बच्चे जैसे हैं। चिल्लाने की जरूरत नहीं है मैडम, आपके भाई ने ही बोला है पूछताछ करने के लिए। पूछताछ क्यों कर रहे हैं? ऐसा पूछने से पहले ही आकर चिल्ला रही हो। तुम्हें क्या लगता है हमारे पास और कोई काम नहीं है? अगर ज्यादा चिल्लाई तो तुम दोनों पर ही चोरी का इल्जाम लगाकर अंदर डाल दूंगा। सर इस तरह से बात मत कीजिए। ए तुम सबके घर में तलाशी जारी है, अगर वो जेवर हमें मिल गए ना तो सबकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। ए जाने दो इन सबको। चलो। सर मुझे पुलिस कंप्लेंट लिखानी है। ए वहां लिखो और निकल। चलो। टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ए सर आप, क्या हुआ सर? हमने रेड डाली। हमारे बाप दादा राजनेता थे सर। थू निकल। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था उससे बात मत करना। तुम कंप्लेंट करने गए थे, हुआ क्या? उसने तुम्हें ही जेल में डाल दिया ना? जी हाँ सर, अब मैं क्या करूं? अगर बहुत ज्यादा प्रेशर है तो मुझे बोलो ना, आगे क्या करना है मैं देख लूंगा। भैया दो चाय देना और इसके वाले में शक्कर कम रखना। ए, मेरे में कम शक्कर क्यों? इतनी सुबह ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? वो तो यहीं आ रहा है। क्या यार रामाचारी, हमने कुछ किया नहीं फिर भी सजा क्यों भुगते? ये क्या क्या बात है? देखो ना, तुम ही बताओ। कुछ नहीं सतीश। ए तू चुप कर यार। रहे रामाचारी। ए सतीश, पुलिस को लगता है कि इसका और मेरा कोई सपोर्टर नहीं है, इसलिए हम दोनों को अंदर करने की बात कर रहे हैं। ये तो क्या बात कर रहा है, चल मुझे डिटेल्स दे। अरे उस दिन क्या हो गया था? वो पेन कैमरा ऑन कर रहा है, उसको कैमरा ऑन करने दे। तूने मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब तुझे दिखाता हूँ मीडिया का पावर। चल अभी बोल। समझ गया ना? आज की ब्रेकिंग न्यूज मिल गई। हाँ हाँ अब बोलो। वो पुलिस वाला है ना, वो ओनर आंटी के जेवर की चोरी में हम दोनों को भी फंसाना चाहता है, तू अपने मीडिया का पावर दिखा देना उसे। हाँ यार। अगर किसी को भी झूठे आरोप में फंसाया है तो हमें बताएं। मुंबई के सभी पुलिस स्टेशन में पुलिस आयुक्त ने इस बारे में सूचना देने के लिए ऑर्डर दिया है। कैसी लगी मेरी पावर? वाह, तुम तो सुपर हो सतीश। इसे पता है क्या कहते हैं? मीडिया का दिमाग। अरे ये सब तूने कभी रिकॉर्ड किया? हमको तो पता ही नहीं चला यार। देख भाई, अगर मैं इस न्यूज को किसी केबल चैनल पर दिखाता ना तो इतना असर नहीं पड़ता। पर अगर टॉप चैनल पर खबर दिखाओ ना तो वो टॉप बन जाती है, बाद में मुझे इसी चैनल पर नौकरी भी मिल जाएगी। इसे ही कहते हैं एक पत्थर से दो शिकार। ए सतीश, इसकी वजह से कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? अबे पागल, तकलीफ हुई ना तो छोड़ दूंगा। आई बात समझ में? मीडिया का पावर है ना, वो अलग अलग लेवल का होता है। अगर किसी ने हमसे पंगा लेने की कोशिश की ना तो उसे बर्बाद ही समझो। एकदम सही बोला भाई, अगर हमको तकलीफ हुई ना तो चार कुर्सियां लगाकर टीवी पर चिल्ला चिल्ला कर डिस्कशन करते हैं ना, सेम वैसे ही करेंगे। पक्का वैसे ही करेंगे। करेंगे ना यार। देख मेरी बात ध्यान से सुन, मैं चैनल पर तुम दोनों का इंटरव्यू चला दूंगा, आधे घंटे का प्रोग्राम होगा, क्राइम स्टोरी होगी, बार बार हर बार एक के बाद एक तुम दोनों को हाईलाइट कर देंगे, तुम दोनों तो एकदम छा जाओगे। और इसके बाद ना तो लेवल ही अलग है यार। बिल्कुल। एक बात और है सुनो, डिस्कशन के दौरान कोई भी कारण हो डायरेक्ट बात पर अप्रूव करने के लिए मानना नहीं है। मतलब एक आध ज्यादा पॉइंट को ऐड करके मैनेज कर लेना। हेलो
हाँ बताओ। नहीं हाँ ठीक है आता हूँ, आधा घंटा में आता हूँ। ए जूस पीना है क्या? ए काले पुलाव, यहाँ एमजी रोड में ना एक सेंसेशन न्यूज मिलने वाली है। तुम लोग एक काम करना, कहीं जाना हाँ। नहीं यहीं घर में ही रहना, तुम लोग न्यूज देखो हाँ? हाँ मैं दौड़ के गया और भाग कर आया, ठीक है ना? मीडिया टाइकून है ये, एकदम पावरफुल आदमी है यार, मानना पड़ेगा इसको। जो बोला है याद है ना? कहीं जाना नहीं, चलता हूँ। हाँ ठीक है अच्छे से करना। मैं हूँ राजकुमार, मैं हूँ राजकुमार। क्या बोलता है विजय, किस खुशी में गाना गा रहा है? सारी बातें खत्म हो गई, अब जिंदगी में खुशी ही खुशी है। नहीं विजय, सारी बातें खत्म नहीं हुई हैं, अभी भी कुछ तो बाकी है। अब कौन सी बातें बाकी हैं भाई? एक तरीके से दो चीजें हुई हैं। हाँ? क्या कह रहा है, एक तरीके से दो चीजें हुई है? हाँ, डबल एक्टिंग। अरे नहीं यार विजय, ये ओनर के भाई के सिंगापुर जाने से पहले उसके साथ कहीं बैठे क्या? क्या उनके साथ बैठेगा? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? वो बात भी करता है तो लगता है कि छानबीन कर रहा है, और तू कहता है उसके साथ बैठना है। पीने के बाद कुछ बोल दिया तो दूर से ही नमस्कार गोविंदा, सोचना भी मत। देख क्यों रामाचारी, फ्री हो क्या? सर यहाँ आसपास कोई देसी बार है क्या? हा? कौन है यार? विजय ओनर आंटी का भाई है रवि सर। अरे क्या यार तू बार बार उनके भाई की बात कर रहा है, पागल हो गया है क्या? ए विजय तुम दोनों पीते हो ना, ऐसे एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? ठीक है रेडी होकर के वहां आ जाओ। हाँ ए हा? तो भी हाँ 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 रामाचारी हम जो बात करते हैं वो सुन लेता है क्या? उसको कैसे पता कि हम पीने की बात कर रहे थे? पता नहीं, शायद हमारे बोलने से पहले ही वो हमसे पूछने के लिए आ गया। ये क्या रामाचारी, इतने में ही टाइट हो गया? इसको देखकर मुझे मेरे दोस्त की याद आती है, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। क्यों सर, क्या हुआ था? रेलवे एक्सीडेंट में चल बसा वो। खैर छोड़ो, ये रफीक कैसा आदमी है? मैं और रफीक ज्यादा क्लोज तो नहीं थे। तुम जब गांव गए थे तभी चोरी हुई थी ना? क्या सर, हमें दारू पिलाकर पुलिस की तरह सवाल पूछ रहे हो क्या? अगर वो लोग सही तरीके से पूछते ना तो मुझे पूछना नहीं पड़ता। ए रामाचारी मैं बार बार यही सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि घर को अच्छे से जानने वाले नहीं इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, इसीलिए मैंने खुद ही उन्हें कहकर सारी इंक्वायरीज बंद करवा दी हैं। वो पुलिस इंस्पेक्टर पता नहीं क्यों बार बार हमें ही निशाना बना रहा था। इस केस को अगर मैं सॉल्व करता तो फिंगरप्रिंट्स, बस उस एक ही क्लू से इस केस को सॉल्व किया जा सकता था। चोरी करने आए उस आदमी ने, शायद उसने अपने दोनों हाथों में दस्ताने पहन रखे होंगे। हो सकता है, छह मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। ऐसे फालतू सवाल पूछने के लिए भी अक्ल की जरूरत पड़ती है। ए रामाचारी फूकेगा क्या? तेरा गांव कौन सा है? कोकन के पास मालवन गांव है सर। महाराष्ट्र के सारे गांव मुझे पता है, तुझे सावनबाड़ी पता है क्या? पता है सर। कुमार उसी गांव का था। हाँ? अरे मैंने बताया था ना, वो मेरा दोस्त था। वो भी तेरे दोस्त के जैसा ही था, उसका पिता नाटक में काम करता था, नाटक का नाम रामनाथ था, सारा गांव उन्हें अच्छे से जानता था। मैंने और कुमार ने बहुत तकलीफ देखी है, छोटी सी उम्र में ही वो मुझे छोड़कर चला गया। मुझे तुम दोनों बहुत अच्छे लगते हो, उसी तरह मुझे तुम दोनों पर भी थोड़ा डाउट होता है। अभी भी हम पर डाउट आता है क्या?
अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम समझोगे नहीं। समझने लायक अब तुम्हारी उम्र नहीं है। चलो चलो। तो इतना डल क्यों लग रहा है? अरे यार, अपने सिर का दर्द था वो ऑनर का भाई, और अब वो भी इंडिया में नहीं है। विजय, मैं शाम के वक्त अपने गांव जा रहा हूं, घर पर पापा के तिथि का कार्य है। ओह, एक महीना हो भी गया क्या? अच्छा सुन, उन जेवरात के लिए मुझे एक भरोसे वाला सेठ मिला है। हाँ, एक बार जाकर उससे मिलके आते हैं ना। सच में यार, तूने तो कहा था कि जल्दी नहीं करनी है ना? नहीं यार, भरोसे वाला आदमी है, एक बार जाकर उससे मिल ही लेते हैं ना। ठीक है, जा, किसी बात की टेंशन मत लेना, यहाँ पर मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अगर इस सेठ से छुट्टी मांगूंगा तो ये चिल्लाएगा। अब अगर इसने मुझसे कुछ बोला ना, वैसे मुझे भी एक बंदा मिल गया, बगल की दुकान में अपनी बेकरी खोलेंगे। सुनिए, ये कुमार कहाँ रहता है? कौन कुमार? अरे वो रास्ते रास्ते नाटक करने वाला रामानंद जी का बेटा। वो रामानंद का बेटा ना, यहाँ से दाएं लेकर तीसरा घर। हाँ ठीक है, ठीक है। लगता है ये कहीं बाहर से आया नहीं। अरे भाई, कौन है? घर पर कोई नहीं है क्या? हाँ है ना। माँ, बाहर कोई आया है। कौन है? हाँ बोलो। माँ जी नमस्ते। तुम कौन हो बेटा? मैं मुंबई से आया हूँ। रवि भाई और कुमार फैक्ट्री में एक साथ काम करते थे ना, उन्होंने मदद के लिए कुछ पैसे भेजे हैं। अरे तुम्हारे पैसे तुम्हारे पास ही रखो, जब मेरे बेटे को पुलिस ले जा रही थी तब तुम्हारा मालिक कहा था। आप किस बारे में बात कर रही हैं? मैं विघ्नेश्वर उस मिल के ओनर की बात कर रही हूँ। तुम वहीं से आए हो? हाँ, 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 वहीं से। तो बोलो बेटा, मेरे बेटे ने अपनी जान पर खेलकर असली गुनहगार को पकड़ा था। जाओ अपना काम करो। अरे भाई, इस गांव में विघ्नेश्वर मिल थी ना 25 साल पहले, इसमें रवि नाम का एक वर्कर काम करता था, उसकी कोई डिटेल बता सकते हैं क्या? सर, तुम कौन हो? सर मैं वो प्रेस रिपोर्टर हूँ। 25 साल पहले इस गांव में एक चोरी का मामला हुआ था ना, उसी तरह का मामला बेंगलुरु में भी हुआ था, इसलिए मैं ये छानबीन कर रहा था। आप कुछ बता सकते हैं? पता नहीं तुम लोग क्या लिखते हो। वो लोग आए और उन्होंने एक बेचारे बेगुनाह को पकड़ लिया और उसे चोर कहकर ले गए। उस चोरी का सामान तो मिला नहीं। देखो बेटा, तुम्हें जो चाहिए उसकी तहकीकात करो, लेकिन तुम्हारे लेख को पढ़ने के बाद असली अपराधी को ढूंढ कर उसे सजा दी जाए, इस बात का ध्यान रखना। सर, थोड़ा सा पानी मिल सकता है क्या? रंगना, इन्हें एक ग्लास पानी पिला दो। ओके। असली अपराधी पकड़ा जाना चाहिए। मैं सावन तोड़ी गया था। मामा मामा मामा,
रामाचारी, आज नहीं तो कल तुम्हें असलियत पता चली जाएगी, इस बात का यकीन है मुझे। हाँ? मैं चलता हूँ माँ। हाँ, अपना ख्याल रखना। सब कुछ ठीक है ना? सब कुछ ठीक है ना भाई? गहनों का क्या हुआ? अभी बेचना ठीक रहेगा ना? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अरे कब से चिल्ला रहा हूं मैं? ले चाय पी, आजा बताता हूं। मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, बताता है या नहीं? ट्रायंगुलर थियरी, इस बात को समझने के लिए कभी तूने इत्तेफाक शब्द सुना है क्या? इत्तेफाक? मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूं और तू क्या बता रहा है? तूने जो पूछा है वो बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुन ले। ठीक है, बता। देख विजय, इत्तेफाक का मतलब होता है एक ही चीज का दो अलग अलग परिवार में और अलग अलग पीढ़ियों में हो जाना। ये तो पता नहीं कि कितनी पीढ़ियों से हो रहा है, पर हर बार वो एक ही पॉइंट पर खत्म होता है। इस पॉइंट को बोलते हैं कर्मा पॉइंट। बाप रे, सिर्फ इतना पूछा कि जेवर बेचे या नहीं और तूने दिमाग में कील ठोक दी। मैं तो उससे जो पूछ रहा हूँ, इन सब बातों का उससे क्या रिलेशन है भाई? रिलेशन नहीं है, कोरिलेशन है। देख, ये एक तरीके का साइंस है, तेरे समझ में आने के लिए इसको कहते हैं कर्मा। हाय रे मेरे कर्म, ये सब साइंस वाइंस की बातों से मुझे क्या लेना देना? विजय, मैं अपने ही बारे में बता रहा हूँ यार। हाँ? देख विजय, जब से हमने जेवर चुराने के बारे में सोचा है ना, अब तक ओनर आंटी के घर में जो भी चीजें हुई हैं, वैसी ही चीजें पहले भी हुई हैं। जिस तरह हमने सोचा था, जिस तरह का काम करते हैं, पहले ओनर आंटी के घर में क्या हुआ था वैसे ही दोबारा हो रहा है। अगर इसे समझाना है तो क्या बताऊं? जेरोक्स कॉपी। माँ, गांव वाले बोल रहे हैं कि तुम्हारी बहन किसी के साथ भाग गई। मैंने भाग कर शादी की थी। इस बारे में सुनकर तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आ गया बेटा। पता चलते ही मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसे। देख विजय, ये ओनर आंटी के घर में जो भी चीजें हुई, अब जो मेरे घर में चीजें हो रही हैं, हमारे चोरी करने का शायद वही कारण है, या शायद कोई और कारण होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इस बारे में और जानना है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी में भी यही घटना होने से मैं रोक नहीं पाऊंगा। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। देख विजय, मेरी बहन की जिंदगी में जो भी हो रहा है वही ओनर की जिंदगी में भी हुआ है। ये देख, आज मैं जो काम कर रहा हूं ना, वही पहले ओनर का भाई भी करता था। अगर सही तरीके से बताऊं तो रवि पहले जो काम करता था वही काम आज मैं करता हूं। इस तरीके से अगर हम चोर हो सकते हैं तो रवि भी तो चोर हो सकता है ना। मुझे ये बात समझने के लिए रवि का दोस्त कुमार, यानी मैं, मैं रवि के दोस्त कुमार के बारे में जानने के लिए सावंतवाड़ी गया था। वहीं जाके मुझे पता चला कि वो दोनों जहां पर काम करते थे उसके मिल के ओनर के जेवर चोरी हुए थे। इस चोरी के मामले की पुलिस से छानबीन की, लेकिन इन दोनों को गिरफ्तार नहीं किया। उसी मिल में काम करने वाले एक बेगुनाह को गिरफ्तार कर लिया। जब मैं वहां के जमींदार के घर में गया तब मुझे सच पता चला। मेरी माँ ने मुझे बताया वो जेवर चोरी नहीं हुए होते, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे दादा को अगर ये नहीं कहा होता। जब तुमने दूसरी जात की लड़की से शादी करने की जिद की तभी मैं चुप रहा। अब तुम एक ऐसे इंसान का साथ दे रही हो जिसने जेवर चुराए हैं। मेरी जायदाद में से तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, निकल जाओ मेरे घर से। ठीक है बापू, चलो लक्ष्मी अपने साथ बच्चों को ले चलो। आयो, आती हूँ भैया। भैया,
इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताकर तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया तुम्हारे पापा ने। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा। लक्ष्मी बोलिए ना जी। हमने अपनी इज्जत के लिए अपने माँ बाप की संपत्ति को भी छोड़ दिया। ब्रिटिश अधिकारी भी मुझे एक जमींदार के रूप में जाना करते थे, पर अब एक गरीब किसान की तरह जीवन बिताने में मुझे गर्व है। उनके आखिरी दिनों में वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाए, इस बात से दुखी थे वो। तुम्हें पता नहीं पर हमारा खानदान बहुत रईस था, इसीलिए अपने बेटे को हमेशा खुश देखने के लिए उन्होंने किसी बात के लिए मना नहीं किया। तुम इतने होशियार जो हो, तुम्हें एक न एक दिन तो अपने परिवार के बारे में पता चल ही जाएगा। उस दिन तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए उन्होंने कहा था। हमारे घर से जेवर चुराने वाले लोग थे रवि और कुमार। हमने जिस तरह से रफीक को फंसाया उसी तरह से उन्होंने वहाँ के किसी और नौकर को फंसा दिया, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। तुम जो कहानी सुना रहे हो उसका सबूत क्या है? हमारी चोरी का क्या सबूत है बता? विजय, एक बार अगर हमने अच्छे से पैसे बना लिए तो 20 साल बाद अगर कोई हमसे पूछे कि ये पैसे जो बनाए हैं ये चोरी करके या मेहनत से पैसे बनाए गए हैं तो तू क्या कहेगा? यार तेरी इस कहानी में मैं क्यों नहीं आता? देख विजय, अगर चीजें ऐसी होती रहीं तो तू बचेगा कि नहीं ये डाउट है। ए, तो क्या मैं भी कुमार की तरह मर जाऊंगा और ऑनर आंटी की तरह भतीजी नंदिनी जैसी अंधी होगी, या जीजा को स्ट्रोक आएगा और वो भी बिस्तर पकड़ लेंगे? देख विजय, तू हंसी मत उड़ा। अरे क्यों नहीं हंसू, हंसूंगा, सबके सामने हंसूंगा। चोरी में भागीदार था इसलिए अभी तक चुप बैठा था। सबसे पहले तू खुद को किसी डॉक्टर को दिखा, तुझे ना अजीब बीमारी हो गई है, मेंटल केस। सच बताना मुझे, तो जैसा समझदार आदमी ऐसी बातें कैसे कर सकता है? जब तेरे पिता बीमार थे तब तूने जेवर चुराए ताकि पुलिस को बेवकूफ बना सके। तेरे पास चोर का दिमाग नहीं है, उस मिलिट्री वाले के साथ मिलकर तू पुलिस वाले की तरह सोचने लगा है। अपनी होशियारी दिखाने के लिए तूने वो चोरी की, फिर बाहर निकलने के लिए प्लान बनाया। इतना ही नहीं, उससे बचने के लिए आदमी ढूंढा। जेवर बेचने का वक्त आया तो साइंस, रिलेशन, कनेक्शन बोल बोल के बकवास किए जा रहा है। हाँ, इन सबको रोकने के लिए तू ये सब कर्मा की बातें कर रहा है ना? चुराए हुए जेवर ऑनर को वापस कर देने से कर्मा सुधर जाएगा क्या? पागल की तरह बात कर रहा है यार तू। कौन है पागल यहाँ पर? मुझे पता था तू ऐसा करेगा। आगे चल के दोनों परिवारों में दोबारा ऐसा कुछ ना हो इसलिए जेवरों को लौटाना चाहता है तू। थोबड़ा तोड़ दूंगा तेरा। चपट लगाने का मन कर रहा है एक। इतनी तकलीफों के साथ मैंने पता लगाया, ऊपर से तुझे बताने आया। अब अगर हम जेवर उन्हें लौटा देंगे तो क्या वो हमें ऐसे ही छोड़ देंगे तुझे लगता है? देख विजय, मेरे पापा ने जिस संपत्ति को ठुकराया वो उन्हीं के घर में थी। मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा था इसलिए अपने साथ लेके आया। क्या तू ले आया? विजय इसमें नहीं है, वो क्लॉक रूम में है। ए, तू नहीं कहा था ना कि क्लॉक रूम में रखने से रिस्क है, इसीलिए तो तू घर ले गया था ना, तो फिर से यहां लेके क्यों आ गया? मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि हम पकड़े जाएंगे, वो हमें जरूर ढूंढ लेंगे। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से पकड़े जाएंगे हम। अब मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं है। ए पागल, मैंने क्लॉक रूम की रिसीट को ना पॉकेट में रखा हुआ है, जा जाके देख ले। मैं वो ओनर आंटी को देने वाला नहीं हूँ। पागल की तरह बात मत कर। हाँ तेरे लिए तो पागल ही हूं। बस कर, अब सो जा चुपचाप। ठीक है, सोने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? कुछ भी कहे मैं शांत नहीं रह सकता। हाँ ठीक है, तेरे तरीके से ही बात करते हैं। वो सारे जेवर तो वो तेरे ही है ना? तेरे बाप दादा के जमाने में तेरे घर से जेवर चोरी हुए थे, अब वो तेरे पास लौट आए हैं, सिंपल सी बात है ना? ऐसा सोचने की बजाय और फालतू बकवास सोच रहा है। देख विजय, तू दिमाग मत खा, सुबह बात करेंगे, चुपचाप सो जा अभी। क्या दिमाग खा रहा हूं मैं? तेरी समझ में क्यों नहीं आता कि मैं क्या बोलना चाहता हूं तुझसे? hey! कितनी बार बोलना पड़ेगा तुझे? सुबह बात करेंगे ना हम लोग। उस दिन थिएटर में तू ही बोला था ना, हीरो अगर चांस पे डांस नहीं करेगा तो जनता को पसंद नहीं आएगा। आज हीरो इतना कंफ्यूज क्यों है? नहीं,
मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। मैं जो कर रहा हूँ मुझे वो क्लियरली पता है, लेकिन तुझ जैसे कम दिमाग को मैं समझा नहीं सकता। चल अब सो जा। एक ही चीज की दो अलग अलग परिवारों में अलग अलग पीढ़ी में एक ही बात हो जाना, ये तो पता नहीं कि कितने पीढ़ियों से हो रहा है, पर हर बार वो एक ही पॉइंट पर खत्म होता है। इस पॉइंट को बोलते हैं कर्मा पॉइंट। जब से हमने जेवर चुराने के बारे में सोचा है ना, अब तक ओनर दीदी के घर में जो भी चीजें हुई है वैसी ही चीजें पहले भी हुई है। बेटे मुझे यकीन है कि तुम हमारे परिवार और हमारे बेटे के बारे में पता लगा लोगे। जिस तरह हमने सोचा था, जिस तरह का काम हम करते हैं, पहले ओनर दीदी के घर में क्या हुआ था, बिल्कुल उसी की जेरोक्स कॉपी मेरे घर में हो रही है। आंटी, नंदिनी अब कैसी है? अभी वो ठीक है बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि खतरे से बाहर है। आंटी, मुझे आपसे कोई दहेज वगैरह नहीं चाहिए। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं नंदिनी से शादी। फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं पता, अगर थोड़ा दिन रुकेंगी तो मैं खुद एक अच्छा लड़का ढूंढ निकालूंगा। उसका कुल गोत्र कुछ नहीं पता, ऐसे लड़के से शादी करवाओगी? कौन है आंटी? मेरा भाई रवि। मेरे दादा का नाम रामाचारी, मेरे पापा जय सिम्हा, और सावंतवाड़ी में हमारा बहुत बड़ा नाम है। पूरे महाराष्ट्र में घूमे हुए आदमी को ये नाम पता ही होगा ना। आंटी ये लीजिए, अब वो मना नहीं करेंगे। घर लौटने के बाद मुझे एक बार मेरे पति से पूछना होगा। हाँ। बेचारे अभी टेंशन में होंगे ना। ठीक है। हाँ? अरे विजय कहाँ चला गया था बे तू? ये बता तू कहाँ था? देख विजय, पहले ही दिमाग खराब है मेरा। हाँ? पहले ये बता कि तू कहाँ था? नंदिनी ने सुसाइड करने की कोशिश की। अच्छा, अभी अभी उसे हॉस्पिटल में एडमिट करके आ रहा हूँ मैं। देख विजय, सुन सुन मेरी बात, ये सब ठीक करने के लिए अब मुझे उससे शादी करनी होगी।
सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अभी ओनर को बोलकर आ रहा हूँ कि मैं खुद ही नंदिनी से शादी करना चाहता हूँ। ओह, तो ये है तेरा केंद्र बिंदु, द कर्मा पॉइंट। देख विजय, तू मुझे गुस्सा दिला रहा है हा? अरे मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आ रहा है, तू कितनी महान आत्मा है ये सोच रहा हूँ। तू सब कुछ तो ले गया ना, अब तुझे क्या चाहिए बोल। तू नहीं तो वो जेवर चुराए थे ना, अब इस घर की जायदाद को भी तू संधि से शादी करके हथिया लेगा। मुझे तो ये सब पहले से ही पता था, इसके बाद तू मुझे भी ऊपर पहुंचा देगा। विजय, तू ये सब कैसे करेगा ये मैं बताता हूँ। उस कुमार की मौत की तरह मैं भी ट्रेन के नीचे आकर कट के मर गया। जा जाकर पूछ ले उस रवि ने कुमार को मारा होगा, जैसे तू मुझे खत्म कर देगा। देख विजय, जेवर की बैग तो तूने ले ली ना, तो अब तेरी क्या प्रॉब्लम है? कहाँ पर है, कहाँ पर है? जब से आया बोल रहा है जेवर इसमें, जेवर इसमें, देखा मुझे कहाँ है जेवर इसमें? देख क्या है ये सब, भंगार पड़ा हुआ इसमें। अबे जरा ठीक से देख, तू गलत बैग उठा कर लाया है। नाटक नहीं, झूठ मत बोलो रामाचारी, शराफत से बताओ जेवर कहाँ है। तू मुझ पर शक कर रहा है, शक तो मुझे तुझ पर करना चाहिए। तू शक करेगा? ए, तू तो सिर से पैर तक झूठ से भरा है, बोला कहीं था और पहुंच कहीं गया। कहानी सुनाता है कि तेरा बाप बड़ा जमींदार था। मन में जो आए वो बकवास मत कर, समझा? बोलूंगा, मैं बार बार बोलूंगा, तेरा बाप जमींदार नहीं था, भिखारी था। मेरे पापा के बारे में बात करेगा तू? बोलूंगा, तेरी बहन ने भी भाग के शादी की है। ओटीपी है? हाँ? चला गया। अबे आना आगे यार। हेलो। हेलो रामाचारी। हाँ बोलो दीदी। चीनी, तुम्हारी फोटो देखकर मामा मामा बोल रही थी। अच्छा, अगली बार तुम आओगे ना तो वो तुम्हें जाने नहीं देगी। दीदी एक मिनट। हाँ मुझे दूसरा कॉल आ रहा है, मैं कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ नंदिनी। रामाचारी दोपहर में खाना खाने के लिए आ रहे हो ना? हाँ मैं घर पे आ रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी आ रहा है। ठीक है। हाँ विजय बेगुनाह है, चाहे जो भी हुआ हो। टाइम नहीं है, चलो। क्यों बे, गांव में कोई अर्जेंट काम है क्या? विजय वही काम कर रहा है क्या? नहीं यार, बेकरी बंद हो गई है। वैसे तेरा अच्छा है, तुझे तेरी बहन ने गाड़ी दिलवा दी है ना? विजय शिफ्ट में तू ये गाड़ी चलाना। हाँ हाँ, अगर सच कहूं तो मैंने ही रामाचारी से दूरी बना ली थी, उस दिन जो कुछ हुआ था वो कैसे बताता। ए, अपना बैग ऊपर रख, पैसेंजर को बैठने के लिए जगह दे। पैसेंजर को बैठने के लिए सीट नहीं और तूने अपनी बैग यहाँ पर रखी हुई है। मेरा ऊपर रख रहा हूं मैं। आराम से पीछे रखो, थोड़ा खिसको यार। हाँ आ जाओ। हाँ यहाँ बैठ जाओ। मैं माँ के साथ बैठूंगी। तुम यहाँ आकर बैठ जाओ। अरे बैग बदल गए थे, उसे पता चल जाता तो वो जान से मार देता, इसलिए बेवजह उससे झगड़ा कर लिया। नहीं तो बगल में कौन बैठा था ये पूछ पूछ कर मेरी जान ले लेता। अरे रे सुनिए, इसमें तो जेवर है, लगता है ये बैग अपनी नहीं है। देखो तुम परेशान मत हो, ये हमारी बेटी के लिए है।
हम जैसे गरीब लोगों की भगवान हमेशा इसी तरीके से मदद करता है। अगर भगवान ने हमें ये दिया है तो जरूर इसका कोई मतलब होगा। हमें इसकी जरूरत नहीं, पुलिस को दे देते हैं इसे। उन पुलिस वालों को? मेरे पिताजी ने कितनी तकलीफें झेली है वो तो बस मुझे ही पता है। कोई जरूरत नहीं है, लक्ष्मी हमारे घर में आई है और तुम न्याय देवी बन रही हो। बिना किसी जुर्म के मेरे पिताजी को जेल जाना पड़ा था, आज भगवान हमारे साथ इंसाफ कर रहा है इसीलिए वो हमारा साथ दे रहे हैं। पहले मैं सोचा करता था कि इसकी पढ़ाई कैसे करवाऊंगा और पढ़ा लिखा कर ऑफिसर कैसे बनाऊंगा, पर आज देख लो मेरे लिए ऊपर वाले ने सारे दरवाजे खोल दिए। हे, तुमने अभी तक पढ़ना नहीं छोड़ा? ये त्रिवेणी की किताब है, आधी पढ़ी है और आधी बाकी है। हा? कर्मा, अभी तक कर्मा खत्म नहीं हुई? नहीं विजय, कर्मा कभी खत्म नहीं होता। हम लड़कों को लगता है कि हम जिससे प्यार करते हैं वो है मार्गरेट, पर जो हमारे साथ साथ चलती है वही होती है असली मार्गरेट।